नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीबीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। सुपौल में अपराधियों के हौसले बुलंद है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुपौल पुलिस को खुलेआम अपराधी चुनौती दे रहे हैं। आज एक बार फिर से दिन दहाड़े बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने त्रिवेणीगंज में LNT फाइनेंस कर्मी को गोली मार कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक फाइनेंस कर्मी के दाया जान में गोली मार कर 49,000 रुपए लूट लिए हैं। घटना के बाद घायल कर्मी को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। हालांकि वह खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। LNT कंपनी के कर्मी मलनमा से कर्मनिया की ओर जा रहे थे वसूली करके, रास्ते में अपाची पर सवार अपराध करने के द्वारा उनके दाएं जांघ में गोली मारकर 49,500 रुपया छीन लिया गया। हालत कैसी है? अभी ठीक है, गोली निकल गया है, उनका हालत अभी ठीक। कोई फाइनेंस कर्मी है, वो रास्ते से जा रहा था, यहीं पे उसको पता चला हम लोग यहाँ हल्ला हुआ, गोली चल गया। हम लोग देखे तो आके रियल में गोली चलल था, तब उसको बैठाए बाइक पे और त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करा दिए। कितना अपराधी? सो तो हमको नहीं जानकारी हुआ, हम लोग तो सब हल्ला हुआ तो सब आदमी आए। क्या नाम? मेरा नाम हुआ अखिलेश यादव, वार्ड पार्षद है हमारे वार्ड का। किस वार्ड में घटना घटा? वार्ड नंबर 3 करमनिया पड़ता है, गाँव का नाम, नगर परिषद का वार्ड नंबर 3 है ये। फिलहाल उस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज पर।